अफराद अली सैयद ते समी खान स्वाड़े मेजबान लेके आया इनको दा एक और ते नवा नकोर प्रोग्राम नवे जज्बे नवे अंदाज ते एक नवी सोच सोच जी हाँ ये नाम है साड़े इस प्रोग्राम का जिसे तुसी देख सो के एक सोच एक नवी इजाद या किसी नवे इल्म दी बुनियाद बनती है सोच ज़हन दे बंद हुए बारियां खोल रहा है ते अमल दे नवे रस्ते दिखाती है सोच सदियां दे राज खोल रहा है ते सच बढ़ के बोलती है कि कौन किथों कदों ते किस तरह जी हाँ असि अपने इस प्रोग्राम विच इजी इजादा दरियाफ्ता ते इल्म ओ फन दे हैरत अंगेज दुनिया जे इजे सवालां दा पेशा करसी हां अफराज मनु जल्दी ना ले बताओ कि अगर तुआने बहुत जल्दी किसी जगह ते पहुंचना होवे तो तुहाडी पहली सोच के होसी जाहिर है कि मनु पर लग जाऊं ये सोच मेरी भी है वैसे ये सोच ते किसी तीसरे शख्स की भी है ते मेरा ख्याल है कि उसने पर ला के उन्हें दी कामयाब कोशिश भी की थी है बिल्कुल ये शख्स कौन है कित्थों आया ते उसे ज़हन विच ये सवाल किस तरह आया कि मनु उड़ना चाहिए ते वो अपनी सोच के साथ तक कामयाब होया है जी हाँ चलो लेट्स चेक इट आउट किसी परिंदे दी तरह हवाए चोड़ने दी इंसानी ख्वाहिश हवाई जहाज राकेट ते स्पेस शटल दी सूरत च तां बहुत पहले ही पूरी हो गई है ई बरे गालिब ने किया या ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले दम बखुद कर देने वाली है कि जी ख्वाहिश स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखने वाले रॉसी दी भी आई जड़ा बजाते खुद परिंदियां दी तरह हवाए छोड़ना चाहता आया रॉसी ने अपनी ख्वाहिश नू अमली जामा पहनाने वास्ते एक मखसूस किस्म दे पर तैयार कराए ते वत हवाई जहाज सी छाल मार के 200 मील फी घंटा दी रफ्तार नाल 13 मिनट च इंग्लिश चैनल लबूर करके इंग्लैंड च उतर गया रॉसी वास्ते बहुत वड्डी कामयाबी आई बरे लोग शायद ए गल नहीं जानदे आए कि रॉसी इस साल दे शुरू विच भी उड़ने दी एक कामयाब कोशिश कर चुका है रॉसी ने जदों कार्बन दे परां ते चार जेट इंजनां दे सहारे ते 200 फुट सी बुलंदी सी अपनी परवाज दा आगाज कीता ते लोग फटी फटी अखां नाल जुरत व बहादुरी दे इस बेमिसाल मुजाहरे नूं देखने लगे उधर खुली फिजाए च तैरदा रॉसी अपने दिल च कह रही आया कि आजादी दा एहसास किस कदर सोहना लग रहा है ए मरहला रॉसी दी जिंदगी इच 5 साल दी मुसलसल मेहनत सी बाद आया आया हुन ओजे हिक हिक लम्हे सी लुत्फ उठाना चांदा आया पर ला के उड़ने दे कामयाब तजुर्बियां सी बाद हुन रॉसी ग्रैंड कैनियन उते परवाज करना चांदा आया ते रॉसी दी एक ख्वाहिश भी पूरी हो गई जदूं उसने 8000 फुट दी बुलंदी सी एक हेलीकॉप्टर दे जरिए छलांग लगाई ते पैराशूट खोलने सी पहले 330 किलोमीटर दी रफ्तार नाल 8 मिनट तक परवाज करके अपना मतलूबा हदफ हासिल कर लेता अपनी जिंदगी दे तजुर्बियां नू बयान करदे होया एक मर्तबा रॉसी ने की आया कि अमरीका दी फिजावां च मेरी पहली परवाज एक नाकाबले फरामोश वाकया है मैं इस नू कदी भी नहीं भूल सकना ते शायद असी भी जेटमैन रॉकेटमैन ते फ्यूजन मैन दे नावां सी शोहरत हासिल करने वाले स्विट्जरलैंड दे इस पायलट नू कदी ना भूल सकसा जिसने अपनी हिम्मत ते हौसले सी ये साबित कर दिता कि इंसान अगर चाहे ते अपनी मुसबत सोच नू एक तामीरी अमल च बदलने दी भरपूर सलाहियत रखता है बस एक बारी सोचने दी जरूरत है माइक्रोवेव ओवन दा कमाल ऑफ कोर्स अगर ये इजाद ना होती तो एक चाय द कप बनाने वास्ते या गर्म करने वास्ते किचन जाना पैंदा ते उसी पहले आग बालनी पैंदी जनाब पहले ते माचिस ढूंढनी पैंदी ते बड़ा मुश्किल हो जांदा कि पता किचन विच केड़ी शय किथे पई
बिल्कुल इस कोई शक नहीं गा, वरना एक छोटी जी चाय पकाने वास्ते या चाय पकाने वास्ते या कुछ भी पकाने वास्ते इतने पापड़ बेलने पड़ते। अफराज इस वास्ते मैं कहना हुआ कि माइक्रोवेव ओवन कमाल दी इजाद है। जनाब कमाल दी नहीं बल्कि एक अमरीकी पर्सी स्पेंसर दी कमाल है कि एक माइक्रोवेव ओवन द सोच चढ़ी है तो उसे दिमाग जाए। बहरहाल वैसे माइक्रोवेव ओवन की कहानी बड़ी मजे दी है क्योंकि इसे चॉकलेट का जिक्र है। आई लव चॉकलेट। चलो देखने हैं कि पर्सी स्पेंसर का माइक्रोवेव ओवन की इजाद के किरदार है ते चॉकलेट का के किरदार है। मुझे पता है कि नाज़रीन भी ये कहानी जरूर सुनना चाहते हैं। चॉकलेट्स सब नु अच्छी लगती हैं पर वो तो चॉकलेट्स का दीवाना आया। जी हाँ, दूसरी जंगे अजीम के दौरान माइक्रो रेडार ट्रांसमीटर की ड्यूटी ते मामूर अमरीकी इंजीनियर पर्सी स्पेंसर नू चॉकलेट्स इतनी अच्छी लगती आईया कि ड्यूटी के दौरान भी उसकी जेब उसकी पसंदीदा चॉकलेट पई रही आई तो उसनू जो भी मौका मिलता वो काम के नाल नाल चॉकलेट भी खाता रहा। उस रोज भी वह माइक्रो रेडार ट्रांसमीटर से अपनी ड्यूटी दे रहा आया कि अचानक उसनू जेब में पई अपनी पसंदीदा चॉकलेट खाने का ख्याल आया जिसे नाल ही उसका हाथ अपनी पैंट की जेब में पहुंच गया। पर यह कि चॉकलेट तो उसकी जेब में पई पई पिघल रही आई। बस इसी सोच ने एक नवी ईजाद की बुनियाद रख दी ते ओ इजाद आई माइक्रोवेव ओवन। ए माइक्रोवेव जी आईयां जड़ियां के पर्सी स्पेंसर दी जेब विच पई चॉकलेट नू पिघलाने दा बायस बनी आईयां। पर्सी स्पेंसर नू अंदाजा हो गया आ के माइक्रोवेव रेडार ट्रांसमीटर सी निकलने वालियां माइक्रोवेव विच तवानाई दा एक खजाना मौजूद है जिस सी भरपूर फायदा